नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक मेडिसिन डिवाउ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एजुलिक्स MV1 बाय 0.2 mg टैबलेट का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकॉन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, ये जो एजुलिक्स MV1 बाय 0.2 mg टैबलेट मार्केट में आती है, ये टोरेंट कंपनी की आती है। 10 गोली का ये टैबलेट का पैक रहता है। ये जो 10 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, जिसकी कीमत रहती है 117 रुपये, यानी 117 रुपीज। तो पूरी जानकारी लेंगे, ये दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, सबसे पहले इसके पैकिंग के बारे में देखेंगे। ये इसे 10 गोली का टैबलेट का पैक रहता है, एजुलिक्स MV1 बाय 0.2 mg। ये 10 गोली का ये टैबलेट का पैक रहता है। तो इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले है। दोस्तों इसके अंदर मेटफॉर्मिन 500 mg, ग्लिमिप्राइड 1 mg एंड हुगलीवो 0.2 mg, तीन कंटेंट से बनी दवा है। बढ़िया कॉम्बिनेशन कंपनी ने किया है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो एजुलिक्स MV1 बाय 0.2 mg टैबलेट मार्केट में आती है, मेनली डायबिटीज़ के लिए यूज की जाने वाली दवा है। जिन किन को डायबिटीज़ की तकलीफ है, शक्कर की बीमारी है, मधुमेह की तकलीफ है, उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए दवा दी जाती है। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है तो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपको सर में चक्कर आ सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट पे प्रेशर आ सकता है। इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ये दवा दी जाती है। आपका बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल करती है, नॉर्मल करती है। बेहतरीन बढ़िया दवा है दोस्तों। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपको वोमिटिंग की तकलीफ हो सकती है, पेट में गड़बड़ हो सकती है, इंडाइजेशन की शिकायत हो सकती है, जान मचल सकती है, और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेज के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है। जनरली इसको 1 टाइम इन अ डे, रोजाना एक गोली लेना है। डोसेज के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।